जम्मू के अखनूर इलाके में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। सोमवार को सेना के काफिले पर घात लगाकर किए गए हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में ऑपरेशन शुरू किया था, जिसमें 3 आतंकवादियों को मार दिया गया है। मारे गए आतंकवादियों के पास से हथियार और गोला बारूद मिले हैं। सेना का ऑपरेशन अभी जारी है। प्रियंका गांधी ने वायनाड लोकसभा सीट पर अपना चुनाव प्रचार सोमवार से शुरू कर दिया। राहुल गांधी के रायबरेली सीट चुनने के बाद वायनाड सीट से कांग्रेस ने प्रियंका को कैंडिडेट बनाया है। प्रियंका ने वायनाड पहुंचने पर पहला रोड शो किया, फिर मीनागढ़ी में रैली की। इस दौरान प्रियंका ने भाजपा और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा प्लानिंग के साथ समाज में गुस्सा और नफरत फैला रही है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को हत्या की धमकी मिलने से बिहार पुलिस में हड़कंप मच गया है। धमकी मिलने के बाद पप्पू यादव ने डीजीपी से इसकी शिकायत की। बताया जा रहा है कि लॉरेंस के गुर्गों ने पप्पू यादव को फोन कर कहा कि सांसद के सभी ठिकानों की जानकारी उसके भाई के पास है। यही नहीं, जेल में रहने के दौरान जैमर बंद करके भाई ने तुम्हें वीडियो कॉल किया था, लेकिन तुमने कॉल नहीं उठाया। गलत किया तुमने, इसका अंजाम भुगतना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज ने वडोदरा में रोड शो किया। इसके बाद दोनों नेताओं ने आज वडोदरा में C-295 विमान के फाइनल असेंबली लाइन प्लांट का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए रतन टाटा को याद किया। उन्होंने कहा, हाल ही में देश के हमने महान सपूत रतन टाटा जी को खो दिया। अगर आज वो हमारे बीच होते तो उन्हें खुशी होती। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को दीपावली पर्व से पहले खुशखबरी मिली है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सरकारी कर्मचारियों का 4% डीए बढ़ा दिया है। ये सौगात जनवरी 2024 से लागू होगी। आपको बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव की इस घोषणा के बाद प्रदेश के कर्मचारियों का डीए 46% से बढ़कर 50% हो गया है।